महाराष्ट्र में शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत खुलकर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी सर्टिफाइड गुंडा है। वैसे भी महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता को लेकर के हिंसा का इतिहास काफी पुराना रहा है। चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या राज ठाकरे की एमएनएस, दोनों के कार्यकर्ताओं और नेताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें अक्सर आती रहती हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने गुंडागर्दी के सर्टिफिकेट की बात छेड़कर तमाम घटनाओं और तस्वीरों पर अब मोहर लगा दी है। मुंबई के दादर में बुधवार को शिवसेना भवन के बाहर बीजेपी युवा इकाई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध राम मंदिर विवाद को लेकर सामना में छपे लेख का था। देखते ही देखते प्रदर्शन झड़प में तब्दील हो गया। बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट शुरू हो गई। प्रदर्शन झड़प और मारपीट की इन्हीं तस्वीरों पर सियासी तकरार शुरू हो गई। महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में अब बड़ा सवाल गूंज रहा है कि महाराष्ट्र का गुंडा कौन है। सवाल उठने की सबसे बड़ी वजह शिवसेना नेता संजय राउत का एक बयान। संजय राउत ने कहा, गुंडा होने का सर्टिफिकेट हमें किसी से नहीं चाहिए, हम प्रमाणित। जब बात मराठी गौरव और हिंदुत्व की आती है तब हम प्रमाणित गुंडे हैं। आणि आम्ही गुंडा आहोत हे सांगण्यासाठी आम्हाला कोणाच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही। वी आर सर्टिफाइड। शिवसेना के नेता यूं ही अपनी पार्टी की गुंडागर्दी का बखान नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना का सियासी महल गुंडागर्दी के बुनियाद पर खड़ा है। इसकी छोटी सी पानकी कुछ ही दिन पहले देखने को मिली जब शिवसेना विधायक दिलीप लांडे ने एक ठेकेदार को सरेआम गंदे नाले के पास बिठाया। विधायक के सामने ठेकेदार को शिव सैनिकों ने कचरे से नहलाया था। इसी साल फरवरी की बात है, उद्धव ठाकरे के अपमान पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आपा खो दिया था। सरेआम एक शख्स की पिटाई की, उसके बाद काले पोत कर उसे पूरे बाजार में घुमाया। साल 2020 में नौसेना अधिकारी की पिटाई की कहानी शिवसेना की गुंडागर्दी को बयां करती। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक कार्टून को फॉरवर्ड करने पर नौसेना के पूर्व अधिकारी को करीब 8 से 10 लोगों ने मिलकर पिटाई की थी। 62 साल के सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी बदन शर्मा की बेटी ने शिवसेना पर आरोप लगाया था। साल 2017 में शिवसेना नेता रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के कर्मचारी की पिटाई की थी। विमान में सीट को लेकर विवाद में 60 साल की महिला कर्मचारी को पीटने का आरोप लगा था। उस वक्त रविंद्र गायकवाड़ महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से शिवसेना के सांसद थे। चाहे मराठी भाषा के नाम पर, मराठी अस्मिता के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, महाराष्ट्र में गुंडागर्दी को लेकर अक्सर शिवसेना सवालों में रही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।